नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। आज हम पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर आज एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। मेरे पीछे देखेंगे कि इतना विशाल का है संविधान। ये संविधान है जो इसको हमारे कुछ साथी बना करके लाए हैं, शशि भूषण जी और अशोक टक्सालिया जी, ये दो साथी हैं, मिशनरी साथी हैं, जो इसको बना करके लेकर के आए हैं। और ये गाजीपुर पे पहली बार जो है इस तरीके का इतना विशाल का संविधान के एक कॉपी जो यहाँ पर पहुँची है, पूरा इसके झांकी के रूप में लोग लेकर के आए। इसी बारे में हम कुछ साथियों से बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर गौतम हैं, डॉक्टर साहब से बात करेंगे, और उसके बाद जो लोग इसको लेकर के यहाँ पहुँचे हैं, शशि भूषण, उनकी जो पूरी टीम है, अशोक भाई हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इसको यहाँ लाने का उद्देश्य क्या था। गौतम जी, आप बताइए थोड़ा सा कि ये भारतीय संविधान जो आपके पीछे लेकर के साथी लोग आए हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या मतलब उद्देश्य है यहाँ लाने का? देखिए, इसका उद्देश्य एक ही है, ये जो आंदोलन जो हो रहा है ये संविधान को बचाने के लिए हो रहा है। ये जो संविधान के लिए यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, और उस दिन संविधान की हत्या ये लोग करने वाले थे और कर ही चुके थे, क्योंकि अगर ये आंदोलन यहाँ पे दब जाता, कुचल जाता, तो संविधान की हत्या हो जाती आज़ाद भारत में। फिर आने वाले टाइम में कभी भी इतना बड़ा आंदोलन किसी की भी सरकार में देखने को नहीं मिलता। तो ये संविधान जो है पूरे देश में सर्वोपरि है, हम इसे सल्यूट करते हैं, क्योंकि हमारे देश में इतना अच्छा संविधान हमें मिला हुआ है। नहीं, आपने कहा कि संविधान को बचाने की लड़ाई है, लेकिन यहाँ जो लोग आए हैं वो तो कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून वापस हुए हैं उनको वापस कराने के लिए आए हैं, तो इसमें संविधान कहाँ जो है वो मर्ज होता है? ये जो इनको आंदोलन का जो राइट है ना मिला हुआ, वो संविधान में मिला हुआ है। सरकार के खिलाफ किसी की भी मतलब सहमति को नहीं मानना, अपनी असहमति जाहिर करना, वो संविधान में मिला हुआ है। अगर ये इनको राइट नहीं मिलता संविधान में, तो ये दो लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाते, सरकार पहले ही कुचल देती। तो ये संविधान ही है जो आज ये लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार तो संविधान को भी नहीं मान रही है ना, समस्या तो ये भी है। नहीं नहीं, सरकार नहीं मान रही वो एक अलग बात है, लेकिन देशवासी तो मान रहे हैं ना। सरकार तो संघियों की है, ये वो संघियों की सरकार है। जब संविधान देश में लागू हुआ था तो इनका जो गोलविलगढ़ था ना, इनका अब्बा आपा जो था इनका, उसने पहले ही बोल दिया था कि मैं ऐसे संविधान को नहीं मानता जो पूरे भारत में जाति धर्म एससी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी को उसको समानता का अधिकार देता हो, और ऐसे संविधान को मैं समुद्र में फेंकना पसंद करूंगा। ये तो उसकी लैंग्वेज थी, तो ये कैसे मानेंगे? जो लोग गलती से आगे हैं या बिठा दिया है, वो लोग संविधान की इज्जत कभी नहीं करेंगे। संविधान के नाम पे वो बहुत ड्रामा करेंगे, रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो हमें तो देश की सोचना है, उनकी तो ये आज है कल चले जाएंगे, होता रहता है, बदलाव आता रहता है। हमें संविधान की लड़ाई लड़नी है, संविधान की लड़ाई लड़नी है। लेकिन संविधान बचाने की जो बात आप लोग ये कर रहे हो, अभी अगर हम यहाँ निकल जाएं, बहुत सारे किसानों से बात करें तो उन्हें संविधान की ABCD का ही पता नहीं। आप जैसे या जो लोग साथी इसको बना करके लाएं, उनको छोड़ दिया जाए तो कितने लोग हैं जिस बात को कह पाएंगे इतनी मुखरता से, जितनी मुखरता से आप कह रहे हैं? देखिए, आपने देखा होगा ये जो माइनॉरिटी है ना, मुस्लिम जो भारत में है, इनको संविधान की ABCD पता नहीं था आज से एक साल पहले। लेकिन जब NRCCA आया ना, तो पूरे भारत में यही लोग संविधान को सर पे लेके बैठे हुए थे। क्यों मालूम चला ना? पता था रास्ता यहीं से निकले, पता था अगर रास्ता संविधान से निकलेगा। जब पिछवाड़े पे पड़ता है ना, तो सब याद आता है। संविधान याद आया, आज भी संविधान, बाबा साहब भी याद है, बाबा साहब भी, जब संविधान याद आएगा तो बाबा साहब की बात तो पहले होगी। संविधान का मतलब बाबा साहब। आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि किसानों को अगर इस लड़ाई को मुकम्मल तरीके से लड़ना है, तो वहाँ संविधान, क्या संविधान की जो बात है उसको मानना पड़ेगा। संविधान का ही रास्ता है, संविधान के ही रास्ते पे चलना पड़ेगा। हमें जो भी राइट्स दिए हुए हैं वो संविधान में बाबा साहब ने दिया है, और अगर उनको हमने पहचान लिया, पढ़ लिया, देखिए हमने संविधान को नहीं पढ़ा है, हमारे बच्चों ने क्या किया, जितने भी OBC SC ज़्यादातर लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा, अभी इन्हें संविधान पढ़ना की बहुत ज़रूरत है। संविधान पढ़ेंगे, अधिकार पढ़ेंगे, अपने अधिकार पढ़ेंगे, तभी तो सरकार से लड़ेंगे। तो ये जो संविधान है, ये हमारे देश की शान है, ये हमारे देश की शान है, हमें इस शान को बचा कर रखना है। और दिखाऊंगा, ये संविधान का मेन पृष्ठ है जो आप देख रहे हैं, इसकी बैक में अगर आप देखेंगे तो ये आप पढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये इसकी आत्मा है संविधान की, अगर एक तरीके से कही जाए। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एदद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म निर्मित करते हैं। तो ये संविधान का वो प्रियम्बल है जिसको कहते हैं कि संविधान में आप जितने संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ये जो संविधान की आत्मा है जिसको कहते हैं संविधान का
प्रियम्बल, इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया करके इसकी स्टार्टिंग हम लोग कर सकते हैं। हम भारत के लोग, ये महत्वपूर्ण, ये संविधान की आत्मा है। तो ये जो संविधान की आत्मा जिसको प्रियम्बल कहा जाता है, मैं और एक डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो इतनी सारी बातें भारतीय संविधान के प्रियम्बल में लिखी हुई हैं, मुझे तो नहीं लगता कि सरकार इनमें से आधी बातों को ही मानती है। देखिए, मैंने पहले ही कहा सरकार संघियों की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, आरएसएस ने संविधान को कभी भी नहीं माना है। नहीं माना है, उन्होंने तो बायकॉट किया है। बिल्कुल, हम शशि भूषण जी समझाने की कोशिश। शशि भाई, इसको यहाँ लेकर के आने का उद्देश्य क्या था? देखिए, अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो यानी कि संविधान का एक कहते ना वो अनादर हो रहा है। तो यहाँ किसानों का जो संवैधानिक हक हैं, यानी खेती करने की उनकी आज़ादी है, वो अपने खेत में क्या बोएंगे, कब बोएंगे, ये उनकी आज़ादी है। लेकिन यहाँ उस आज़ादी पे ब्रेक लग रहा है कि आप खेती में क्या बोएंगे ये उनका दलाल तय करेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट पे खेती है, क्या बोया जाएगा, क्या कब कटेगा, क्या कीमत रहेगी, ये वो दलाल पैदा करेगा, जो दलाल बनेगा इस बिल के अनुसार। लेकिन इसीलिए इस संविधान को आगे हमने रखा कि ये धरती के लिए नहीं, ये किसानों के अधिकारों के नहीं, ये संविधान का अनादर है। क्योंकि संविधान में किसान को धर्म मानने का और खेत में क्या खेती करेगा ये तो बहुत दूर की बात, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, तो इसका हनन हो रहा है। तो मैं सभी अपने किसान भाई, बुजुर्ग, नौजवान बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि कृषि के साथ साथ इस संविधान का अनादर हो रहा है। और आप इसको कहें कि तीनों कानून वापस ना होकर, बल्कि संविधान को मानते हुए सभी के अधिकार सुरक्षित रखें और अपने कायदे कानून में रहें संविधान के अनुसार, जिससे ये देश पहले की भांति, सम्राट अशोक की भांति इस ज़माने में सोने की चिड़िया कहलाता था, और आज फिर वही सोने की चिड़िया बन सकता है अगर इस संविधान के अनुरूप पक्ष विपक्ष, सरकार और सरकार के जो लोग हैं वो, और इस सरकार के जो सॉरी इस देश के जो वासी हैं वो सभी इस संविधान को माने। तो ये किसानों पे अत्याचार नहीं है, ये किसानों के बिल पे अत्याचार नहीं है, ये इस संविधान पे अत्याचार हो रहा है। इस टीम का एक पार्ट है, हिस्सा है, आप इसको लेकर के संविधान की झांकी को लेकर के यहाँ आए, क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे इसके माध्यम से? संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि जिस दिन से भारत की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसने किसी के हित में कोई कानून नहीं बनाया, कोई काम नहीं किया। देखिए, जिस दिन से बैठी सरकार ये सत्ता में आई, उस दिन से इसने कभी तो एनआरसी का कानून बनाया, इसने कहा कि आप इस देश के नागरिक नहीं हो, 50 साल पहले का डॉक्यूमेंट्स लाओगे तो तब आप भारत में रहोगे, उनको भगाने का काम किया। इसने जो सुप्रीम कोर्ट और भारत की सरकार ने 2 अप्रैल 2018 में जो इस देश में दलित है, दबा कुचला है, पीड़ित है, उसको शोषित पीड़ित को मारने का काम किया, पीटने का काम किया, इन्होंने छुप छुप के उनको गोलियां मारी, 13 बच्चे शहीद हुए जी। इसी तरह से इन्होंने फिर राम मंदिर का मुद्दा उठाया, उसके बाद इन्होंने जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में इन्होंने अपनी सरकारें बनाई, लेकिन गरीब जो है तबका वो सड़कों पे मर रहा था, आपने देखा, पूरे देश ने देखा, भूखे प्यासे लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे, उनको वो मैंने देखा कि आपने भी देखा होगा कि बनारस तक लोग पैदल जा रहे थे, बिहार तक लोग पैदल जा रहे थे, अपने बच्चों को रिक्शे में कोई लेके जा रहा था, कोई साइकिल पर लेके जा रहा था, तो इनको तब भी तरस नहीं आया। इन्होंने सिर्फ बसाने का काम नहीं किया, इन्होंने उजाड़ने का काम किया है। और आज इस देश का जो किसान है, जो किसान अन्न उगाता है, और किसान का बेटा, किसान का जो बच्चा है, वो देश की रक्षा कर रहा है, चाहे पुलिस में कर रहा है या फौज में कर रहा है, आज इसने किसान को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। और जो किसान नेता हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं भाई आप एमएसपी तय कीजिए, आप बताइए इस कानून में क्या है। लेकिन इस देश में जो लोग बैठे हैं, जो अमित शाह और मोदी जो बैठे हुए हैं, उनको बिल्कुल भी रहम और तरस नहीं आ रहा है। आज बच्चे, जो किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, वो सड़क पे मर गए, आज घरों में भूखे प्यासे हैं, उनको समय से मजदूरी नहीं मिल रही, आज देखिए कि किसी के पास काम नहीं है, और काम नहीं है, और उस स्थिति में इन्होंने ये किसान के खिलाफ जो बिल लाए, 3 बिल लाए, उस स्थिति में आज किसान अपनी खेती छोड़ करके, अपना काम छोड़ करके यहाँ सड़क पर पड़ा हुआ है, किसी को शौक नहीं है। लेकिन आज जो यहाँ पर लोग हैं, जो गाजीपुर बॉर्डर पर हैं या सिंधु बॉर्डर पर, टिहरी बॉर्डर पर हैं, ये वो लोग हैं जो अपने देश को बचाना चाहते हैं, जो देश को बेच रहे हैं। और ये लोगों को दिखाई दे रहा है, ये अंधभक्तों को भी दिखाई दे रहा है कि हाँ बिक रहा है, देश बिक रहा है, ये वो भी जानते हैं कि BSNL को ख़त्म कर दिया, ये जानते हैं कि बिजली प्राइवेट कर दी, ये जानते हैं कि जो पूरे महकमे हैं वो सारे प्राइवेट कर दिए। आप ये देखिए, अभी 2 दिन पहले बजट आया है, बजट में सीधा सब लोगों ने देखा, पूरे देश को प्राइवेट कर रहे हैं। जब इस देश की मंडी इन लोगों की हो जाएंगी, इस देश की ज़मीन इन लोगों की, अडानी और अंबानी और जो पूंजीपति उनकी हो जाएंगी, तो एक किसान कहाँ से अपना KCC बिल लेगा, और कहाँ से
जो उसका किसान जो क्रेडिट होता है वो कहाँ से बनवाएगा, और ये किसी से अपना कर्ज भी नहीं ले सकता, ये एक प्रकार से गुलाम हो जाएगा। इस ये सरकार ये चाहती है, ये सरकार ये चाहती है कि देश के लोगों को जातियों में बांट के, धर्म में बांट के, एक एक करके इनके खिलाफ कानून बनाया जाए और इनको गुलाम बनाया जाए। जब ये गुलाम बन जाएंगे, जितने ज़्यादा गुलाम होंगे और जितने ज़्यादा लंबे समय तक गुलामी रहेगी, उतने हमारे ये पैरों के तले रहेंगे और हमारी सत्ता ज़्यादा लंबी काबिज होगी। तो ये कहना चाहते हैं, इस देश का जो संविधान है वो ही सबको बचा सकता है, क्योंकि इस देश में जो संविधान, जो बाबा साहब ने कहा था, इस समय जो संविधान को मानने वाले लोग हैं ना, वो यहाँ पर बैठे हैं, और जो संविधान को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, जो संविधान को अच्छी तरह से नहीं चला रहे, वो इस देश की गद्दी पर बैठे हुए हैं। आने वाली 1 मार्च से मजदूरों का समय 8 घंटे से 12 घंटे होने वाला है, ये सभी सुन लें मजदूर और किसान। आज यहाँ किसान बैठे हैं, आज से ठीक 2 महीने बाद 1 मार्च के बाद जब 12 घंटे का टाइम हो जाएगा, मजदूर यहाँ पर होंगे। धीरे धीरे एक एक का नंबर आएगा, सभी का आएगा। इसलिए सभी को मैं आश्वासन कहता हूँ, क्या मजदूर क्या किसान, यानी अन्नदाता भी और अन्न खाता भी, सभी को इस आंदोलन में आके अपनी भूमिका निभानी है। किसी टीम का हिस्सा है तो संक्षिप्त समय में, थोड़े समय में बताएं कि इसको जो झांकी आप ये संविधान के लेकर के यहाँ पहुँचे हैं, इसको लाने का और इसको यहाँ इस प्रकार घुमाने का किसान आंदोलन में क्या सोच थी इसको बनाते वक्त? केवल एक उद्देश्य था कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि हर समस्या का मुकम्मल समाधान हूँ मैं, भारत का संविधान हूँ, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग तो इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, लेकिन वर्तमान की जो सरकार है वो बिल्कुल हटी हुई है, निगाह से भी, ध्यान से भी और अपनी जिम्मेदारियों से भी। हम केवल ये माध्यम बता देना चाहते हैं इस संविधान के माध्यम से, इस झांकी के माध्यम से, कि हम देशभक्त लोग हैं, आंदोलनकारी लोग हैं और भारतीय और राष्ट्र के हित के लोग हैं, और हम आपको ये बता देना चाहते हैं, आप चाहे कितना इस चीज़ से मुकर लो, हम इस चीज़ से मुकरने वाले नहीं हैं। आप दमनकारी हो सकते हैं, क्रूरता हो सकती है, अत्याचारी हो सकते हैं, लेकिन हम अमनकारी हैं, समतावादी हैं, बंधुत्ववादी हैं, ये हम आपको एक दिन दिखा देंगे। और भारत के अंदर जितने भी आज तक आंदोलन हुए हैं, उन्होंने भारत का उदय किया है, और ये किसान आंदोलन भी, मजदूर आंदोलन भी, जन आंदोलन भी एक दिन भारत का उदय करेगा। धन्यवाद। तो ये हम जो इस झांकी को लेकर के साथी पहुंचे, संविधान की झांकी को, उनसे बहुत सारी बातें हमने की, उन्होंने बताया कि इसको लाने का उद्देश्य क्या था, और संवैधानिक अधिकार जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में लोगों ने बताया, बड़े विस्तार से हम लोगों ने सबके साथ चर्चा की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर अपने साथ।